है मैम। अच्छा एक मैम मिनट रेखा यार जी, एक मिनट रेखा जी, एक मिनट प्लीज, आप अब अनम्यूट करें। मैडम आप भी कर ले ना। यस बिल्कुल हाँ हाँ मैम, मैम यस आप तो बोलो। मुझे, हाँ मैम ये आपके लिए है। यू आर ऑसम, यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड यू आर सो काइंड टू टीच अस एवरीथिंग। और ये टेस्टिमोनियल है मैम आपके लिए। अभी अभी जस्ट फोन आया था, कैमरा स्विच ऑन करने से पहले मेरी मेड का बेटा घर छोड़ के भाग गया था 5 दिन से। तो ओके मैंने बाई काइंड हार्टेड उस पर ऐसे सेजल बना के दे दिया था कि तुम्हारा बेटा आ जाएगा बोलकर। आई हैव क्रिएटेड दैट एनर्जी। और मैंने और भी मॉडलिटीज उसमें डाली थी, मेन सेजल था उसका। ओके मैम अभी उसका फोन आया कि उसका बेटा का फोन आया कि मैम मैं फ्रेंड के घर पे हूँ, आई एम ठीक, मैं कल घर आ जाऊंगा। वेरी नाइस, वाओ बहुत ग्रेट, बड़ी, बहुत अच्छी न्यूज है मैम। किसी का बच्चा घर से चले जाए तो बिल्कुल कितने, बिल्कुल। ये देखिए हम मोडालिटी सीखते हैं, इससे हम कुछ फायदा हो वो तो काम है, काम बने, है यस ना। तो यस मैम, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें लाते हैं कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, कि हर एक चीज से बेनिफिट आपको मिले, वही हम चाहते हैं। और आपको वो बेनिफिट हो रहा है तो इट्स वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। मैम थैंक यू जिस दिन सो मच। आपका लास्ट क्लास था उसी दिन ही रात में मैंने 12 बजे उसको बना के दिया है, और अभी देखे मैम उसका आ गया। इसलिए मैंने, मुझे रूम आपका करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वेलकम बहुत है आपका। स्वागत है मैडम, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। तो मैडम स्टार्ट करते हैं ना। हाँ जी हाँ तो जी सबसे पहले तो मैं आपका होस्ट पुरुषोत्तम आर कांजानी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टार साइन में। स्टार साइन एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑकल्ट की डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज जो होती हैं उनका नॉलेज प्रोवाइड कराता है एज ए क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। इसकी शुरुआत मनीष के मौर्या जी ने और उनकी टीम ने की थी। मनीष के मौर्या जी जो कि एक एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने जो भी उनके पास नॉलेज है न्यूमरोलॉजी का, उन्होंने बहुत लोगों तक बांटा है और उनकी क्लासेस अभी भी कंटिन्यू रहती हैं। लेकिन जब वो इस फील्ड में आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी ऑकल्ट साइंसेस की स्ट्रीम्स हैं जो कि लोगों को अवेयरनेस में आनी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया ही आपको दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आप देख रहे हैं आजकल जूम्स ने सब जगह पहुंचा दी है। तो हमारे यहाँ पर बैक फ्लावर जो था हमने सबसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, पीकॉक फेदर की भी हमने यहाँ पर क्लासेस को लॉन्च किया, फिर लोगों ने भी उसको रिपीट किया और बहुत सारी चीजें हैं। उसी श्रृंखला में आज हम रून सिंबल्स भी लाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स क्या है? आप समुद्र किनारे जाते हैं, वहां पर अगर हाई टाइड आ जाती है तो वहां पर एक डेंजर का निशान लगा होता है, वो एक सिंबल है। लेकिन उसको देखते ही आपको क्या लगता है कि हमें उसके पास नहीं जाना? या एक ट्रांसफार्मर के बाहर एक खतरे का निशान लगा हुआ है, वहां आप उसको देखते ही क्या बोलते हैं, ये सिंबल खतरे का है, तो वहां पास में लोग नहीं जाते। तो क्या हमारा यूनिवर्स जो है वो इन सिंबल्स को, हमारे जो चेतन मन है अवचेतन मन है, उसको देखकर हम उसमें पॉजिटिव चीजें या नेगेटिव चीजें कर सकते हैं या देख सकते हैं? इसके अलावा सिंबल्स क्या है? ओम, स्वास्तिक, क्रिश्चियनिटी में देखे जाए तो क्रॉस, और हर धर्म में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिंबल्स है। जीबू सिंबल्स के बारे में आप सब लोग अवेयर हैं, बहुत प्रॉपर वार्म वर्क करते हैं। इसी तरीके से रून सिंबल्स भी बहुत एशियन साइंस है, एशियन सिंबल्स है और बहुत ही प्रॉपर काम करते हैं। धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस भी बढ़ रही है। आज हम बात करेंगे जो टॉपिक है रून सिंबल्स पे, लेकिन मैडम ज्यादा बता पाएंगी। लेकिन छोटी सी बात यह है कि आप सबके मन में आता होगा कि सिंबल्स हैं, काम करते हैं ये हमारे जीवन में, अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करें तो इनसे हमको क्या फायदा होगा? तो ज्यादा से ज्यादा बात आज हम उन पे ही करेंगे और आप सब लोगों के क्वेश्चन आंसर भी हम लेंगे। तो इसलिए बिल्कुल पूरा सेशन अटेंड करें ताकि आपको पता पड़े कि इनकी ब्लेसिंग्स और इनका आशीर्वाद हम किस तरीके से ले सकते हैं मैडम के गाइडेंस से। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं पल्लवी मैडम का, जो कि एक लामा फेरा मास्टर, एक हीलर और एक कैंडल स्पेल कास्टर और बहुत सारी मॉडलिटीज जानती हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज बताइए कि आज जो हमने टॉपिक रखा है इसको अगर लोग समझ जाते हैं, सीख जाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ सकती है या उनपे क्या आशीर्वाद आ सकता है? इसका फायदा क्या है आकर, क्यों हम आज इकट्ठा हुए हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, सब चीजें आपको अच्छे से मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी, बिकॉज बहुत सारे न्यू लोग हैं और बहुत कम लोग जानते हैं रूंस के बारे में, बिकॉज इसको एक लुप्त मोडालिटी भी में गिना जाता है, बिकॉज ये बहुत कम लोग जानते हैं रूंस के बारे में, इसीलिए हम इसको अभी इसका ज्यादा ट्रेंड आया है जैसे धीरे धीरे, बिकॉज इसके जो कैसे होता है ना, एक ये होता है कि एक फेज आ जाता है, तो वैसे ही अभी एक रून फिर से वापस आ जाता है, जैसे मॉडर्न हो जाता है ना, हम बोलते हैं ना कुछ न्यू आता है तो पुरानी चीज ही एक मॉडर्न वे में आ जाती है हमारे सामने, तो रूल्स वैसे ही है, पुराने हैं लेकिन वो एक मॉडर्न वे में हमारे सामने आए हैं, बिकॉज इसकी जो सब जो चीजें हैं, मतलब जो हम यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोग देख रहे हैं, इसके कारण ये अभी बहुत ट्रेंड में आया है। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसके स्टार्ट कर देते हैं कि ये क्या है, रूल्स क्या होते हैं, बहुत कम लोगों को पता है, किसे किसे पता है वो पहले जानने की कोशिश करते हैं, है ना, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस नो, है ना, मतलब वो टाइम थोड़ा सा ये हो जाएगा, किसे किसे पता है रूंस के बारे में, रेखा जी को पता है, ओके, और आज हाँ पेन और पेपर लेके बैठी है, बिकॉज मैं ये आपका वेबिनार नहीं है, ये वेबिनार तो है ही, उसके साथ साथ इसमें आपको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा रूंस के बारे में, है ना, क्या क्या होते हैं रूल्स हम उसको जानेंगे। यस नेहा जी नहीं बोल रही है, ठीक है, और किसी पता है रूल्स के बारे में, बेनास जी नो, ओके, चैट बॉक्स में नहीं लिखा है किसी ने, है ना, अच्छा ओके ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है रूल्स, एग्जैक्टली होते क्या है, है ना, तो रूल्स जो देखा जाए ना, ये एक सिंबल्स होते हैं, ओके, वी ऑल नो द वाइब्रेशन ऑफ सिंबल्स, आपको सबको पता है, अभी अभी हमने सुना है कि वाइब्रेशन, जैसे मेरी अभी सिजल सिंबल की क्लास हुई थी और उसके टेस्टिमोनियल आपने देखे हैं, ठीक है, अभी आपने सुना होगा, तो वाइब्रेशन हम जानते हैं सिंबल्स की क्या होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसकी पावर क्या है, सिंबल्स को हम सब जानते हैं, लाइक जीबू सिंबल है, सिजल सिंबल्स है, रून सिंबल्स भी है, और एक बहुत अच्छी मोडालिटी है, ठीक है, तो जैसे ओम हम यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, आपने देखा होगा कि स्वस्तिक यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज स्वस्तिक, जब भी कोई हम न्यू बिगिनिंग करते हैं तो हम स्वस्तिक जरूर बनाते हैं, बिकॉज मैं एक मुझे बताइए कि हम सिंबल की यूज करते हैं, अगर हम पूजा पाठ करते हैं, अगर हम गॉड से पूजा करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हमारी बीच बोलते हैं उनको, तो सिंबल की क्या जरूरत है ना, तो सिंबल क्यों चाहिए हमें, दे आर एज अ non-verbal communication between you and your divine, ठीक है, ये क्या होता है, सिंबल जो होते हैं ये हमारे बीच और जो डिवाइन के बीच है उसका पूरा रास्ता वो सिंबल तय करते हैं, ठीक है, उसको एक कनेक्शन बनाते हैं सिंबल, ठीक है, हमारा डिवाइन के साथ में, तो इसीलिए हम सिंबल यूज करते हैं, कई कई बार ऐसी चीजें होती है जो कि हम बोल भी नहीं सकते हैं, है ना, हम बता नहीं सकती है गॉड को कि हमारे मन में क्या है, लेकिन हम सिंबल के थ्रू उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं हमारी कोई भी विश को, ठीक है, तो इसीलिए हम सिंबल यूज करते हैं हमारे लाइफ में, ओके, सो जो रूल्स है, ये जो रूल्स एक मोडालिटी है, तो ये क्या है, रूल्स का मीनिंग क्या है, रूल्स का मीनिंग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं तो उसका मीनिंग होता है सीक्रेट, ठीक है, रूल्स का मीनिंग होता है सीक्रेट, और ये एक सीक्रेट सिंबल्स है और बहुत एंशंट टाइम से आए हैं, लाइक आज से करीब 2000 साल पहले ये इन्वेंट हुए थे, ठीक है, एक्चुअली इसको रूनिक अल्फाबेट भी कहा जाता है, जैसे कि हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना, ABCD होता है, जैसे देवनागरी में भी होते हैं अल्फाबेट्स, तो वैसे ही ये एक अल्फाबेट्स ही आप समझ लीजिए, ठीक है, जैसे हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन जो रूल्स है, रूल्स में 24 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, और रूल्स ये एक जर्मनिक अल्फाबेट्स भी हम उसको बोलते हैं, रूल्स कम्स फ्रॉम एन एंशियंट फॉर्म ऑफ जर्मनिक अल्फाबेट्स, ओके, इसको रूनिक अल्फाबेट्स भी बोल सकते हैं या फिर जर्मनिक अल्फाबेट्स भी, इसमें थोड़ा सा ना एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री मैं कभी क्लास में बताऊंगी, ठीक है, एक ये है स्टोरी है, तो स्टोरी मैं इसकी बताऊंगी आपको कि ये कैसे इन्वेंट हुए हैं, ठीक है,
सो इसमें क्या होते हैं कि 24 सिंबल्स होते हैं और ये एंशियंट टाइम से लोग इसको यूज करते आए हैं। वे क्या करते थे कि वो काफ करते थे, जैसे कि प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन उनको चाहिए लाइफ में, या फिर कोई भी पर्पस होता है उनका, ठीक है। अगर प्रोटेक्शन का पर्पस है तो वो क्या करते थे, अपने घर के बाहर वो अपने दरवाजे पे काफ करते थे सिंबल्स, ठीक है। अगर लड़ाई के लिए जाते थे, अगर उनको सक्सेस चाहिए उसमें, अगर वो चाहते हैं कि हमें उसमें हमारी जीत हो, तो वो क्या करते थे कि उनके जो टूल्स होते थे, उनके जो वेपन्स होते थे, उस पे वो काफ करते थे, ठीक है। उसी तरह उसके साथ साथ वो इससे प्रिडिक्शन भी करते थे, बिकॉज पहले बारिश होगी या नहीं होगी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो जैसे आज भी है तो वैसे पहले भी रहते थे, तो प्रिडिक्शन के लिए भी ये रून सिंबल वो यूज करते थे। और अभी के यहाँ पे जैसे हम ये क्रिस्टल पे देखते हैं, है ना, मैं दिखा दूंगी आपको, क्रिस्टल पे होते हैं, आई विल शो यू। तो वहां पे क्या था, आपको दिख रहा है ये, जैसे मैंने ये क्रिस्टल पे है मेरे ये सिंबल्स, ठीक है, तो ये क्रिस्टल पे है, लेकिन तब के जमाने में वो ऊड पे कार्व करते थे, एक लकड़ी का ये लेते थे और लकड़ी पे ये काफ करते थे और उससे फिर बहुत सारी चीजें, मतलब प्रिडिक्शन करते थे, बहुत सारी चीज करते थे, ठीक है, जानने के लिए, अपने कोई भी जो क्वेश्चन के आंसर है वो लेने के लिए या गाइडेंस के लिए भी, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे एमेथिस्ट है, या फिर रोज क्वार्ट्ज है, ब्लैक अगेट है, या फिर ओपल है, ये बहुत सारे क्रिस्टल पे ये इंग्रेव करते हैं और ये 24 सिंबल्स होते हैं और एक ब्लैंक रून होता है, ठीक है, 24 तो होते ही है, उसके साथ में एक ब्लैंक रून होता है और ये सिंबल के अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे हम टैरो देखते हैं, टैरो भी एक जो मोडालिटी है उसमें क्या होता है, पिक्चर्स होते हैं, लाइक पिक्चर्स होते हैं और हम उसको कनेक्ट करके फिर हमारा आंसर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पिक्चर्स नहीं, यहाँ पे हम सिंबल को ये करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको डिकोड करते हैं और एक मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। हर एक सिंबल का अपना एक मीनिंग होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जिनको टैरो पता है, तो टैरो में क्या होता है कि अपराइट के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, अगर कार्ड सीधा आ जाए तो उसके अलग मीनिंग होते हैं और रिवर्स आ जाए तो उसके अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही रूल्स में अपराइट के अलग मीनिंग होते हैं और वो अगर रिवर्स आता है तो उसके अलग मीनिंग होते हैं। तो इसी तरह पढ़ा जाता है कि रूल्स है क्या, मतलब उसके मीनिंग क्या है और उसको हम कैसे यूज करेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो आज मैं आपको ये सारा चीज बता दूंगी, हाउ टू मतलब कास्ट दिस सिंबल। इसमें एक और चीज है कि रूल्स को सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसको हम कास्ट करते हैं। कास्ट करना मींस क्या होता है कि इसको एक रेमेडी की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। रेमेडी की तरह यूज करना मतलब हम इसका तलिस्मान बना सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको ताबीज बना सकते हैं आप, या फिर इसका यंत्र बना सकते हैं। एक तो ये आपको मतलब प्रिडिक्शन तो देगा ही देगा, ठीक है, और इसका प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट निकलता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है वो भी रूल्स बताता है, ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि प्रिडिक्शन भी होगा, उसके साथ साथ रेमेडीज भी हम इससे कर सकते हैं, तलिस्मान भी बना सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें होती है। तो इसके लिए सिर्फ हमें एक सिंबल नहीं लगेगा, ठीक है, जब हम तलिस्मान बनाते हैं या फिर हम यंत्र बनाते हैं तो उसके लिए सिर्फ हम एक सिंबल नहीं बनाते हैं, उसके लिए 2-3 सिंबल को हम मर्ज करते हैं, ठीक है, एक साथ लेते हैं और उससे एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, उसको बाइंडिंग रूल्स बोलते हैं, ठीक है, उसको बाइंडिंग रूल्स बोलते हैं। और एक प्रॉपर मेथड से उसको या अगर आप यंत्र बनाते हैं या फिर तलिस्मान बनाते हैं उस चीज का, मतलब वो रूल्स, बाइंडिंग रूल्स का, तो उसको एक्टिवेट करने का एक मेथड होता है ना, एक परफेक्ट वे होता है, अलग एक मेडिटेशन होता है और एक मंत्र भी है, तो उससे वो एक्टिवेट करना होता है और इट वर्क्स वंडर, ओके, बहुत अच्छे से वर्क करता है। मीन्स एज अ पावरफुल रेमेडी आप इन सिंबल का यूज कर सकते हैं,
उसके साथ साथ डेली लाइफ में आपकी जो भी इनर जो भी चीज होती है, मतलब अगर हमें सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मेरा कोर्ट केस है उसमें सक्सेस मुझे मिल जाए, या फिर प्रोटेक्शन मुझे मिल जाए, है ना, मैं बाहर जाती हूँ कहीं तो मुझे ऐसा लगता है मुझे प्रोटेक्शन मिले, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो हर एक जो रून है उसका मीनिंग है और उसको यूज करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है, ताकि हम वो क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी से अटैच हो सकते हैं, उस एनर्जी को हमारे लाइफ में हम लेके आ सकते हैं। नाउ इसको यूज कैसे करना है मैं ये बताऊंगी आपको, उसके पहले हम आज देखेंगे कि इसके मीनिंग क्या है। जैसे कि ये 24 सिंबल्स है, इनके मीनिंग मैं पहले बता दूं, उसके बाद में हम इसका यूज कैसे करना है अपने लाइफ में वो बता दूंगी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। So, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, ये जो 24 सिंबल्स है उसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, इसको एल्डर फुताक भी बोलते हैं, एल्डर फुताक, यंगर फुताक, ये एक है उसमें। तो एल्डर फुताक में हम क्या करते हैं, उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं और हर एक ग्रुप में 8 सिंबल्स आते हैं, ठीक है, 8 रूनस आते हैं हर एक ग्रुप में, ठीक है। तो पहला वाला जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फ्रेयास, ओके, फ्रेयास एट, ओके, इसको बोलते हैं फ्रेयास एट। दूसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं हेमडल्स और हगलास, ओके, ये उसका दूसरा वाला ग्रुप है। तीसरा वाला ग्रुप है त्रियास एट, ओके, ये वाला तीसरा ग्रुप है। तो इसके बाद में देखेंगे, तो इस सबसे पहले मैं इसके बता दूं कि जो मीनिंग है, जो एक हर एक रून का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने नोटबुक में उसको नोट कीजिए ताकि आप उसको अपनी लाइफ में यूज कर सके, ओके। सो सबसे पहले वाला जो सिंबल है वो है फेहू, मे बी आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, बट आई विल शो यू, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है आपको, मैं ड्रॉ करके बताऊं आपको, ठीक है, मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक सेकेंड, हाँ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके, आपको दिख रहा है अभी ये, यस अंजू जी, यस, ओके, सो साइज चेंज कर देती हूँ, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ ओके, सो ये है, व्हाट हैपेंड, हाँ ये है फेहू, सबसे पहले वाला जो सिंबल है ये है फेहू, ये आता है फ्रियास एट में, ठीक है, फ्रियास एट ये पहला वाला ग्रुप है और इसमें सबसे पहला वाला जो सिंबल आता है वो है फेहू। फेहू क्या सिंबल, मतलब किसके लिए होता है, तो इसका यूज हम कर सकते हैं मनी के लिए, वेल्थ के लिए, ठीक है, अगर हमारे लाइफ में कहीं मनी स्टक है, ठीक है, अगर किसी ने हमारे पैसे ले लिए है, कोई भी मनी की प्रॉब्लम है, ठीक है, एनी प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको ये सॉल्व करता है फेहू, ठीक है, फेहू इसको बोलते हैं FEHU, फेहू, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट हो सकता है पर्सन टू पर्सन, इसको थोड़ा सा कोई अलग फेहू बोलते हैं, कोई फीहू बोलते हैं, तो ऐसे हो सकता है, लेकिन ये सिंबल यही है कि इसका नाम फेहू है और आप इसको वेल्थ के लिए, अपनी लाइफ में मनी अबेंडेंस को लाने के लिए, ठीक है, जो भी मनी रिलेटेड इशू है उसको रिजोल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आप फेहू यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला सिंबल है वो है उरूज, ओके, उरूज ये वाला सिंबल,
उरूज, उरूज क्या करता है? तो उरूज इज फॉर यू आर यू जेड, उरूज, यू आर यू जेड, उरूज, उरूज फॉर करेज, ठीक है, करेज एंड स्ट्रेंथ, करेज चाहिए लाइफ में, स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए हम उरूज यूज करते हैं, और ये हमारे पैशन को क्रिएट करता है, ठीक है, हमें किसी भी चीज में पैशन चाहिए, हमें बहुत सारी चीज होती है ऐसे कि हम वो चीज नहीं करते हैं, उसके लिए एक पैशन की जरूरत होती है, तो ये पैशन लाने के काम, लाने का काम उरूज करेगा, ठीक है। इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हमारे 24 सिंबल हो जाए फटाफट, उसके बाद में है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये है थुरी साज, थुरी साज, THURIAS, THURISAS, SAZ की या फिर S भी लिखते हैं, ठीक है, THURISAZ, थुरीसास, थुरीसास रिप्रेजेंट्स फोकस एंड पावर, ये आपको फोकस एंड पावर के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, और अगर हम इसकी रीडिंग करते हैं, जब भी हम इसकी रीडिंग करते हैं, अगर थुरीसास आता है हमारे रीडिंग में, तो बोल सकते हैं कि वो पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है, वो पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है, उसके बाद में नेक्स्ट वाला है अनसूज, ठीक है, ये थोड़ा सा अनसूज, एक ही है, एक ही लाइन है, सॉरी मैं इसको, अनसूज ये वाला, ठीक है, ANSUZ, अनसूज, इट रिप्रेजेंट्स गॉड, ठीक है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, गॉड, एंड दिस इज द मैसेंजर रून, ठीक है, ये मैसेंजर रून है, ये एक मैसेज को कन्वे करता है, ठीक है, हमारे पास, एंड इस ये जब आता है तो इसका मीनिंग है सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज वेरी सून, सिचुएशन जो भी चल रही है वो जल्दी से जल्दी आपकी ठीक हो जाएगी, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके पास है, जो भी सिचुएशन आएगी बहुत अच्छी आएगी आपकी, आपके लिए गॉड की ब्लेसिंग्स है ना, तो ऐसा इसका मीनिंग होगा। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है वो है गीबू, GEBO, गीबो, गलत, ठीक है, गलत, जो मैंने साइन बनाया है ये वाला गलत, दिस इज द सिंबल ऑफ गिफ्ट, अगर ये आपके रूल्स में आता है प्रेडिक्शन में तो हम इसको बोलेंगे कि दैट मींस आपको गिफ्ट मिलने वाला है किसी से, और वो गिफ्ट अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट है, अगर हमने देखा है यहाँ पे ये है फिहू, ठीक है, ये फेहू है और ये क्या है गीबू, अगर ये दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है, ठीके? अगर ये फेहू आ गया और ये गीबू आ गया, ये दोनों अगर साथ में आ गए तो क्या बोलेंगे हम कि जो आपको गिफ्ट मिलेगा वो मनी होगा, ठीक है, मनी के फॉर्म में गिफ्ट मिलेगा आपको, इसका ये मीनिंग होगा, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट वाला है राइडो, राइडो, एक सेकेंड में यहां पे बना दूं जगह, ठीक है, आर जैसे होगा, ठीक है, राइडो, आर ए आई डी ओ, राइडो, राइडो दिखाता है जर्नी को, ट्रैवल को, जर्नी या फिर ट्रैवल, राइडो रिप्रेजेंट्स जर्नी, मैं इसको क्लियर कर देती हूं, ठीक है, सॉरी मेरा कर्सर कहां गया, आई डोंट नो, हाँ जी दिख गया, ओके,
एक सेकेंड डोंट नो कर्सर को क्या होता है. ठीक है, राइदो के बाद है गुंजो. गुंजो पी जैसे होगा. ठीक है, गुंजो पी जैसे होगा. ये देख लीजिए आप, मैं यहाँ पे छोटा छोटा ड्रॉ करती हूँ, लेकिन आप ध्यान दीजिए मैं कहाँ पे न्यू वाला बना रही हूँ. ठीक है, गुंजो डब्ल्यू यू एन जी ओ, ये बैलेंस को दिखाता है लाइफ में. ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स जॉय, हार्मोनी, सक्सेस एंड पीस. ठीक है, वुंजो बैलेंस दिखाता है लाइफ में. इट रिप्रेजेंट्स जॉय, हार्मोनी, सक्सेस एंड पीस. ओके, नेक्स्ट जो है वो है किनाज, केनाज. ठीक है, लाइक अ टॉर्च. ठीक है, टॉर्च जैसे होता है केनाज, के ई एन ए जेड, केनाज. ये नॉलेज के लिए, फोकस के लिए, एजुकेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए. अगर बच्चों के लिए हमें कोई सिंबल चाहिए है ना, कोई हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, उनको बहुत अच्छा नॉलेज मिले, वो अच्छे से फोकस करे अपनी लाइफ में है ना, एजुकेशन उनको अच्छा मिले, क्रिएटिव हो अपने बच्चे, ऐसा हमें लगता है हमेशा, हर माँ को लगता है. ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, ये किनाज का सिंबल आप आपके बेटे के हाथ पे बना सकते हैं डेली. ठीक है, या फिर आप इसको बना के उसका जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर आप लगा सकते हैं. ठीक है, डेली, या फिर उसके पानी के बॉटल के ऊपर आप इसको स्टिक कर सकते हैं. सो इसको ये एनर्जी देता रहेगा. ठीक है, दिस इज द केनाज. उसके बाद में हमारे 8 रूल्स खत्म हो गए. उसके बाद में जो सेकेंड ग्रुप स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड हेमडल्स. ठीक है, हेमडल्स उसको बोला जाता है, या फिर हगलास बोलते हैं. ठीक है, उसका फर्स्ट जो सिंबल होता है, दिस इज लाइक एच. ठीक है, एच, थोड़ा एच जैसे होता है ये वाला. हगलास का स्पेलिंग है एच ए जी ए एल ए जेड. शाहजी हैंड रेस किया है, क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं? 2 मिनट मैडम, पहले आप अपना कंप्लीट कर लो. हाँ, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ. अगर किसी का रह जाता है तो बाद में आप रिकॉर्डिंग्स दे सकते हैं, या फिर मैं बाद में बता दूंगी. ओके, तो हगलास जो है इसका स्पेलिंग है एच ए जी ए एल ए जेड. ये सडन चेंज को दिखाता है. ठीक है, ये आपके लाइफ को डिस्ट्रक्शन, मतलब डिस्ट्रक्शन दिखाता है, सडन चेंज को दिखाता है. मे बी ये जब आपके रूल्स में आता है तो ये सडन लॉस हो सकते हैं, ऐसा इसका मीनिंग होता है. मतलब जो सोचा है वो आपका नहीं होगा, जो भी आपने सोचा है वो चीज नहीं होने वाली है. तो एक थोड़ा सा निगेटिव वाला रूल है. ठीक है, हगलास. उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो सिंबल है, दैट इज थुरीसास. थुरीसास लाइक दिस. ठीक है, थुरीसास का स्पेलिंग है एन ए यू टी एच आई जेड, एन ए यू टी एच आई जेड. एंड इट रिप्रेजेंट्स नीड. ठीक है, हार्डशिप, डिलेज, आपके कामों में डिलेज होगा, हार्डशिप है. ठीक है, ये सारा बताता है थुरीसास. अगर ये आपके रूल्स में आता है, रीडिंग में आता है, तो हम इसका मीनिंग ऐसे लेंगे. राइट, उसके बाद में है एक स्टैंडिंग लाइन ओनली, दिस इज कॉल्ड ईसा, आई एस ए, ईसा. ईसा मीन्स आइस. पर्सन कोई बहुत ज्यादा रिजिड है ना, बहुत ज्यादा कोई कोई होता है ना कि कम्युनिकेशन गैप है, मतलब कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, बोल ही नहीं पाता है, तो इमोशनल ब्लॉकेजेस है वहां पे. ठीक है, तो उसके लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए हम ईसा का यूज करेंगे. ओके, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए हम ईसा का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है जेरा.
दिस इज लाइक दिस, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे ऐसे वाला है, ठीक है. दिस इज जेरा, JERA, जेरा. जेरा पीस, रिवॉर्ड्स, हार्वेस्ट, ग्रोथ, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. अगर ये आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, ग्रोथ चाहिए, तो हम जेरा यूज कर सकते हैं हमारे लाइफ में, ठीक है. इसकी एनर्जीज हम यूज कर सकते हैं, हमारे लाइफ में ले सकते हैं. जेरा, उसके बाद में है इहीवास. ये है इहीवास, EIHWAZ, इहीवास. इट रिप्रेजेंट्स स्टेबिलिटी, ठीक है. स्टेबिलिटी को दिखाता है, स्ट्रेंथ को दिखाता है, फ्लेक्सिबल रहना है होगा, मतलब अगर ये आता है तो आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा, और जो भी होगा वो अच्छा होगा, इसका ये मीनिंग है, ठीक है. इहीवास जब आएगा रूल्स में, रीडिंग में, तो इसका ये मीनिंग होगा. उसके बाद में ये वाले सिक्स कितना हो गया, हाँ. नाउ दिस इज नेक्स्ट रूम, पर्थो, PERTHO, PERTHO, पार्थो. इट रिप्रेजेंट मिस्ट्री, ठीक है. ये मिस्ट्री को दिखाता है, मतलब कुछ तो ऐसी हिडन चीज है जो अभी तक सामने नहीं आई है, ठीक है. इट रिप्रेजेंट मिस्ट्री, कोई हिडन इंफॉर्मेशन हो सकती है. अगर आप रीडिंग करते हैं, अगर आप रूल्स स्प्रेड करते हैं, और उसमें अगर आपको ये आ जाता है, और अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं और ये सिंबल आ गया, तो आप उसको देखेंगे, परखेंगे कि अभी आपको नहीं करना है कोई भी डील, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है कि जो आपको पता नहीं है, हिडन है, ठीक है. तो संभल के आपको काम करना है, इसका ये मीनिंग आ जाएगा. उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है ये, दिस इज अलगीज, अलगीज, ALGIZ, अलगीज. अलगीज फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है. अगर हमें कहीं भी प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम एनिमीज, हमारे जो एनिमीज होते हैं, जो हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है हमारे साथ में कोई हमारा एनिमी है, हमारा बुरा करना चाहता है, तो हमेशा आप इसको एक कार्ड पे बना के अपने पर्स में रख सकते हैं, ठीक है. ये आपकी हीलिंग करता रहेगा, कोई भी निगेटिव एनर्जीज आपके पास नहीं आने देगा. इट्स लाइक अ शील्ड, आपके अराउंड ये एक शील्ड बना के रखेगा. दिस इज अलगीज, ओके. जो नेक्स्ट वाला है, दिस इज सोल्वो, सोल्वो, ठीक है, SOWILO, सोल्वो, SOWILO, सोल्वो. तो ये क्या करेगा, इट्स लाइक अ सन एनर्जी. सन की एनर्जी आपको पता है सबको, है ना. सन क्या करता है, नेम फेम देता है, जो भी न्यूमरोलॉजी में उनको पता है, नेम फेम सक्सेस. तो उसके लिए ये वाला सिंबल हम यूज कर सकते हैं. अगर हमें लाइफ में चाहिए बहुत सारा फेम नेम, तो उसके लिए गुड फॉर्चून चाहिए, तो हम सोल्वो का यूज कर सकते हैं, ठीक है. ये हमारे हो गए सेकेंड ग्रुप कंप्लीट, 8 सिंबल्स हो गए ये. उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो सिंबल है, त्रियाज 8, त्रियाज 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका जो सिंबल है वो है तेवाज, ठीक है. दिस इज तेवाज, अभी मैं इस पे लिख देती हूँ क्योंकि इसमें मुझे कर्सर का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है. सो तेवाज, TIWAZ, तेवाज. तेवाज रिप्रेजेंट जस्टिस, विक्ट्री, विक्ट्री को दिखाता है, जस्टिस को दिखाता है. अगर स्पेशली आपके अगर कोई कोर्ट केस है, तो उस कोर्ट केस में आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है. उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. अगर कोई कोर्ट केस है तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं ये वाला सिंबल. उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है, दिस इज बरकाना,
ठीक है, BERKANA बरकाना, BERKANA बरकाना, रून इज द रून ऑफ बर्थ, ओके, बर्थ का रून है ये, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ का भी ग्रोथ को भी ये रिप्रेजेंट करता है. मे बी जिनके घर में बर्थ भी हो सकता है, मतलब बेबी बर्थ हो सकता है, ठीक है, खुशखबरी आ सकती है बरकाना. अगर किसी को इश्यूज होते हैं तो वो दे कैन यूज दिस सिंबल. उसके बाद में एम जैसे दिखाई देता है, दिस इज एहवास, इहवास पहले हो गया था, ये एहवास है, इहवास, EHWAZ, इट रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस को बताता है, ट्रस्ट पार्टनरशिप के लिए ये सिंबल होगा, ठीक है, इहवास. नेक्स्ट जो होगा सिंबल वो है मनाज, ठीक है, मनाज, MANAZ, मनाज, MANAZ, मनाज. ठीक है, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके आगे थोड़े ही सिंबल बचे हैं, क्वेश्चन आंसर लेते हैं. क्वेश्चन आंसर से पहले मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा. मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए आपको बहुत सारे सिंबल मिल गए और इसको यूज करने का भी मैडम बताएंगे अभी आपको कि कैसे है. आप सबके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं क्लास की. जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि क्लास आ रही है रून सिंबल की, जो कि टॉपिक है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी. 5 दिन की ये वर्कशॉप रहेगी जो कल से स्टार्ट हो रही है, तो ज्यादा टाइम नहीं है, 21st से स्टार्ट हो रही है, गुरु का दिन है, 2+1. इसका जो बैच है वो 6:30 को रखा गया है, एक ही बैच है 6:30 का, जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन, PDF और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी. 3300 इसका एनर्जी एक्सचेंज था, लेकिन जैसा कि हर क्लास में कुछ ना कुछ देना ही पड़ रहा है, तो मैडम ने कहा इस बार इसमें हम 1000 रुपीज का ऑफ दे रहे हैं. 2300 की ये क्लास है जो कि 5 दिन चलने वाली है. अब 5 दिन के अंदर क्या क्या सीखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ या मैडम बता देंगी अभी. यस मैडम, देखिए अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो तो आप बता दीजिए. यस, हिस्ट्री ऑफ रूनस, रूनस की हिस्ट्री क्या है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. 25 रूनस अपवर्ड मीनिंग क्या होंगे, उसके रिवर्स, 25 रूनस के रिवर्स मीनिंग क्या होंगे, हाउ टू कनेक्ट विथ रूनस, रूनस से हमें कैसे कनेक्ट होना है वो हम इसमें पढ़ेंगे. देन हाउ टू यूज रूनस इन आर डे टू डे लाइफ, जैसे मैंने अभी इतने सारे आपको सिंबल बताए हैं और उसको बताया है कि उसकी मीनिंग क्या है, तो हम उसको डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करेंगे वो आपको थोड़ा अभी पता भी चल गया होगा, लेकिन उसको और कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं हमारे लाइफ में. उसके बाद में है हाउ टू क्लींस रूनस, जो क्लीन रूनस है उसको हम क्लींस भी करना होता है, तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है, तो वो कैसे करना है. उसके बाद में चार्ज कैसे करना है, क्योंकि हम जो रूनस लाते हैं वो चार्ज नहीं होते हैं, उसको हमारी एनर्जी से चार्ज करना पड़ता है, तब वो हमारे सही मायने में वो हम पे वर्क करते हैं, ठीक है, हमारे लिए वर्क करते हैं. उसके बाद में है रून स्प्रेड, इसमें हम रूनस के स्प्रेड्स भी पढ़ेंगे कि कैसे हमें रूनस से प्रेडिक्शन लेना है. उसके बाद में रून स्पेल, रून स्पेल क्या होगा,
रूनस कैंडल मैजिक कैसे करेंगे रूनस की हेल्प से, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें 51 रूनस फॉर्मूलाज एंड रेमेडीज, आपको बाइंडिंग रून पूरा आपको रेडी करके दिया जाएगा ताकि आप उसके यंत्रास बना सके एंड उसको आप चार्ज कर सके, वो सारा इसमें डिटेल में होगा। देन हाउ टू मेक रून्स चार्म्स, उसको रून चार्म्स कैसे बनाना है, जैसे मैंने बताया है तलिस्मान भी हम बनाना सीखेंगे उसमें, राइट, बाइंडिंग रून से। देन हाउ टू स्टोर रून्स, रून्स को स्टोर करने का मतलब उसको रखने का भी एक तरीका होता है ताकि वो अपनी एनर्जी हमेशा एनर्जाइज रहे, उसके लिए एक तरीका होगा, ठीक है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ टू एक्टिवेट रूनिक फॉर्मूलाज, जैसे कि बहुत सारे रून्स का मैंने अभी बताया, लेकिन ये रून्स अभी आप सेम ऐसे के ऐसे यूज करेंगे तो वो रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं है नहीं देंगे, लेकिन अगर आप उसको एक्टिवेट करेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो वो सारी एक्टिवेशन की प्रोसेस जो होगी वो बताएंगे। देन हाउ टू मेक रूनस एट होम, अगर कोई किसी के पास रूनस नहीं है लेकिन घर पे उसको हम बना सकते हैं तो वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनाएंगे वो इसमें आएगा। देन रूनस कलर्स, ये जो रूनस है तो इसके अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है, कभी रेड होगा किसके लिए, ब्लू होगा किसका, ग्रीन होगा, तो ये सारा चीज डिटेल में होगा। देन हाउ टू एनर्जाइज योर रून सेट, जो हमारा रून सेट है उसको जैसे हम टैरो को भी एनर्जाइज करते हैं तो वैसे ही इसका एक मेथड है, ठीक है। नाउ मेक शीट चीट शीट फॉर परफेक्ट रून रीडर्स, जिसको रून रीडिंग करना है उसके लिए बहुत बहुत इजी मेथड होगा कि आप एक चीट शीट बनाना सीखेंगे, ठीक है। उसमें से आप इजिली प्रिडिक्शन कर सकेंगे, मतलब इतने सारे जो मीनिंग मैंने बताया, तो हर टाइम आपको तो मैंने जो बताया ना बहुत सिंपल एंड शॉर्ट, बहुत सिंपल छोटे छोटे वाले बताए हैं, लेकिन इसका एक बहुत डिटेल में मीनिंग हम पढ़ेंगे इसमें, और फिर उसकी रीडिंग करने के लिए आपको वो चीट शीट बनाना सिखाएंगे ताकि आप इजीली कोई भी प्रिडिक्शन कर पाए, ठीक है। उसके बाद में विच रून इज एसोसिएटेड विथ विच हेल्थ, ठीक है, ये जो रून्स होते हैं वो हेल्थ के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है, इससे कि जो रून आया है तो इसकी पर्सन की हेल्थ में क्या इश्यूज होंगे इन फ्यूचर, ओके। तो ये सारे हम जो भी चीज है वो डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में मच एंड मोर, हमेशा की तरह बहुत और कुछ चीजें हैं और कुछ सीखने के लिए इस रून्स वर्कशॉप में, तो इतना तो कोर्स कंटेंट वास्ट है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है कुल मिला के। देखा आपने भी वेबिनार में जैसे आपको बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन वो तो सिर्फ एक झांकी थी, पूरी पिक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये कोर्स कंटेंट में आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इसको कंप्लीट डिटेलिंग में आप पढ़ेंगे ना तो 5 दिन भी वैसे तो कम पड़ेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे 5 से 6 दिन में आपको पूरा वर्कशॉप कराने के लिए। जिनको भी करना है प्लीज, केवल आज का दिन और कल का दिन ही है, कल से क्लास स्टार्ट हो रही है वो भी 6 बजे से, तो अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप कर 7666555956। आप सब लोग के पास मनीष के मौर्य नाम से बैंक डिटेल ऑलरेडी है, आप सब लोग परिवार के हैं, वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। जो नए लोग हैं वो मुझे कॉल कर सीट को रिजर्व कर सकते हैं। क्लासेस बहुत अमेजिंग होगी जिसके अंदर आपको कंप्लीट सर्टिफिकेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ फाइल मिलेगी। 5 दिन की ऑनलाइन वर्कशॉप जिसका सिर्फ एक ही बैच है जैसा कि मैंने आपको बताया, और आप सब लोगों के लिए एक ब्लेसिंग्स मैं अपनी तरफ से भी देता हूँ। मैडम ने अभी रिसेंटली एक मोर पंखी रेमेडी का एक पीकॉक फेदर का एक हमने एक सेशन किया था जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। जिन लोगों ने किया है उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है, जो भी इस क्लास में एनरोल होगा ए से लेकर जेड तक, उन सबको प्री रिकॉर्डेड जो वीडियो सेशन है वो भी मैडम का जो है लगभग 700-800 रुपए का क्लास होता है, जो ब्लेसिंग स्वरूप आपको एब्सोल्युटली फ्री दिया जाएगा। यानी कि 2300 रुपए की क्लास में 5 दिन का ये और 1 दिन की वो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको पहले ही दिन दे दी जाएगी, जब आपको इसकी रिकॉर्डिंग फर्स्ट डे की आएगी तभी दे दी जाएगी। और जो भी क्वेश्चन आंसर पीकॉक फेदर को लेकर होंगे या इस क्लास को लेकर होंगे वो सारे के सारे आपके क्लियर कर दिए जाएंगे 2nd डे के अंदर ही। तो क्लासेस बहुत अमेजिंग है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, और सीखने की सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, The beautiful things about learning is that nobody can take it away from you. जब आप कुछ चीज सीख लेते हैं ना तो सबसे खास बात है कि लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे, जो चीज आपने एक बार सीखी है ना वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो सीखिए, अपने आप को और बेहतर बनाइए,
और मैडम एक चीज का क्वेश्चन का आंसर दो कि ये जो रूल्स लोग सीखेंगे अगर सीखते हैं तो उनका बेनिफिट ये कैसे ले सकते हैं? आप कह रहे हैं हेल्थ का है, वेल्थ का है, तो उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है? सिंपल दो लाइनों बताइए कि इससे क्या क्या चीज सॉल्व हो सकती है। जैसे आपने बोला हेल्थ के लिए रूल्स काम करते हैं, वेल्थ के लिए करते हैं, कोर्ट केस के लिए करते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, 51 रेमेडीज भी आप दे रहे हो। तो अगर मैं हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई मैं ये सीखना चाहता हूं, 2300 रुपए में दूंगा तो मेरी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है, ये बताओ आप। तो जैसे कि मैंने अभी बताया है कि कितने सारे उसके मीनिंग्स हैं, ये तो हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ा है, लेकिन बहुत सारी इसका डिटेलिंग है। और जैसे मैंने बोला कि इसका हम तलिस्मान बना सकते हैं, बहुत वेरियस टाइप्स को इसको हम हमारे लाइफ में यूज कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन दूर भी है, अगर वो उसके पास वो नहीं चाहता है कि वो तलिस्मान पहनना है ना, बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं कि वो नहीं पहनते हैं, तो हम उनको ना देके भी हमारे पास रख कर मतलब डिस्टेंस हीलिंग जो होता है ना, ये भी हम इससे सीख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं डिस्टेंस हीलिंग रून से, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है लाइफ में जो कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ स्मूथिंग हो, बहुत अच्छे से चले, तो एवरी थिंग विल कवर इन दिस कोर्स। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज आपको मिल जाएगी जो कि आप डेली डे टू डे लाइफ में कर सके, ठीक है। जी जी जी, कहने का मतलब है कि आप इसका तिलिस्मान बना सकते हैं, इसको जीबू सिंबल्स की तरह सिंबल्स यूज कर सकते हैं और बहुत सारी तरीके से यूज कर सकते हैं। वो सारी डिटेलिंग आपको, और जैसा कि आपको बताया स्टार साइन पे जो भी कोर्स होता है वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन ही होता है, मतलब आपको रूम्स में फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ डिटेलिंग का आएगा तो वो भी हम आपको जरूर शेयर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि रूम्स की हिस्ट्री से लेकर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, 51 रेमेडीज पीडीएफ के थ्रू, नोट्स के थ्रू, वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू और भी बहुत कुछ, हर चीज आपको मिलने वाली है और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से बदलने वाली है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो होती है ना वो बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती, हमें उसके लिए दरवाजा खुद बनाना पड़ता है। तो अगर किसी को कोर्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अभी जो भी आपको बताया गया शॉर्ट में बताया गया है, तो आप इसलिए मत ये जो चीज बताई गई उसके बारे में अभी नहीं पूछेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोर्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या छोटा मोटा कोई क्वेश्चन है तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं, क्विकली लेंगे और उसको फिर फिनिश करेंगे। बहनाज जी, आपने आपको हैंड रेस नहीं करना था, आप अनम्यूट कर ले सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई हैव योर नंबर प्लीज, यू सेड योर नंबर बट यू वर टू फास्ट। नो प्रॉब्लम मैडम, 766 766 555 Yes. 95 Yes. 66 आप जिस ग्रुप से भी हैं, जिस भी पोस्टर को देख के आए हैं वहां पर मेरा नंबर है और मैडम ने बहुत अच्छा पूछा। 766 555 9566 एक लाइन में जो हमेशा कहता हूँ वो आज भूल गया था कि बात करिए, बात करने से बात बनेगी। बहुत सारे लोग मन में संशय रखते हैं, फिर सोचते हैं शायद कर लेता या शायद कर लेती तो अच्छा होता। तो थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट होता है तो मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका होस्ट हूँ, एनी टाइम मुझे कॉल कर आपका जो भी संशय है किसी भी चीज को लेकर है कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं, एनी टाइम पूछ सकते हैं। तो आप मेरे को कभी भी फोन करके पूछ लें, मैं आपकी सारी क्वेरी क्लियर कर दूंगा। जी ओके, सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम 6 PM टू व्हाट टाइम? मैडम 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास रहने ही वाली है, क्योंकि मैडम की आदत है कि वो ज्यादा डिलीवर करती है और कोर्स कंटेंट भी जैसा कि आप देख रहे हैं 5 दिन में फिनिश करना है, तो 1 से 1.5 घंटा तो रहेगा, ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं रहेगा, 1 घंटा तो रहेगा ही रहेगा मैडम। और एक दिन क्लास ज्यादा भी हो सकती है, ये भी मैं आपको बता दूं। सो फ्रॉम टुमारो यू मीन टू से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे? मे बी संडे वी डोंट हैव अ क्लास, पर इफ अगर आप Sunday. सब लोग रेडी होंगे तो हम ले लेंगे। संडे ऑफ रहेगा वैसे मैडम, यस 5 से 6 दिन मान के रहिए, लेकिन आप बिल्कुल भी किसी को भी फिगर करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का कोई भी सेशन मिस होता है तो आपको प्रॉपर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, ग्रुप भी 1.5 से 2 महीने तक एक्टिव रहता है। अभी तक तो मैडम का 6-6 महीने का रहा एक्टिव है, लेकिन फिर भी हम केवल कमिटमेंट 1.5 से 2 महीने की करते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आप ग्रुप में डाल सकते हैं, मैडम उसका आपको प्रॉपर आंसर देंगी, 100% देंगी, नहीं तो मैं आपके लिए बैठा हूँ।
कोई भी दिक्कत आपको किसी भी कोर्स रिलेटेड नहीं आएगी। बहुत सारे हमारे यहाँ पर स्टूडेंट हैं, आप किसी से भी टेस्टिमोनियल ले सकते हैं। मनीष के मौर्य नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, आप वहां जाकर मैडम के टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। आपके ग्रुप में भी मैं एक दो टेस्टिमोनियल अभी डाल दूंगा। अगर आपने सेशन शुरू में देखा हो तो एक मैडम ने, रेखा जी ने अपना टेस्टिमोनियल ऑलरेडी दे दिया था। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मैडम क्लास के अंदर, और बहुत अमेजिंग चीज मिलने वाली है। 5 दिन की ये क्लास तो आपको मिल ही रही है, जो कि हो सकता है 6 दिन की भी हो जाए। इसके अलावा आपको एक पीकॉक फेदर रेमेडीज की एक क्लास, जो प्री रिकॉर्डेड सेशन है, वो मैडम का ही है, वो भी आपको आपको दे दिया जाएगा, पहले ही दिन दे दिया जाएगा। उसके भी जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो आप क्लास में पूछ लेंगे। तो आपको 2 क्लासेस मिल रही है, 1 डे का सेशन है पीकॉक फेदर का और 5 दिन का ये वाला है, दोनों ही मिलने वाले हैं आपको। और कुछ मैडम? और द अमाउंट इज 2300। यस मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप जिस भी ग्रुप में है पेमेंट डिटेल आपको मिल जाएगी, जिसके पास पेमेंट डिटेल नहीं हो मुझे कॉल कर मांग लो। दिलीप राणे जी नए हैं, प्लीज आप बता दीजिए। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि वो बैंक के डिटेल, मतलब आईएफएससी और बैंक अकाउंट नंबर, और आपको गूगल पे, फोन पे बैंक अकाउंट डिटेल जैसे भी करना हो, नाम आ जाएगा, आईएफएससी कोड आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, जिसमें आपको सुविधा होती है वैसे कर लेंगे आप। तो ये ग्रुप में डाल देंगे सर, मतलब अभी ये जो लिंक भेजे उसमें? बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी आपके पास आधे पौन घंटे में पोस्टर आ जाएगा, कोर्स कंटेंट का पोस्टर आ जाएगा, आप उसमें कोर्स कंटेंट पूरा पढ़ सकते हैं, एक बैंक डिटेल भी साथ में आ जाएगी। उसके बाद भी दिक्कत है तो सुबह आप मुझे कॉल कर पर्सनल भी ले सकते हैं। अच्छा, मेरा नंबर पोस्टर के अंदर है, आपके जिस भी ग्रुप में लिंक आया है, जिस नंबर से लिंक आया है वो नंबर भी मेरा ही है, तो आप उस नंबर पे भी डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा एक इसका भी अटूनमेंट रहता है क्या? नहीं नहीं, इसका अटेंडमेंट नहीं रहेगा सर। नहीं, फिर डिस्टेंस का कैसा करते हैं, मतलब? हाँ, वो बताया जाएगा, वो एक टेक्निक है जो आपको क्लास में बिल्कुल बताई जाएगी। बहुत सारे सर, ये अभी जो था ना, जितना भी आपने सीखा, दिस इज द, मतलब एक टच भी नहीं है, ये हमने आपको सिर्फ अवेयर कराया है कि रून सिंबल बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है, तो वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे कैसे होते हैं, अब उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनको एनर्जाइज कैसे करना है, और एक डिस्टेंस हीलिंग कैसे देनी है, उनको एनर्जाइज कैसे करना है, उनको रखने का तरीका क्या है, उसके कोर्स बनाए जाएंगे, जो 51 रेमेडीज मैडम बता रही है, तिलिस्मान बहुत बेहतरीन काम करता है। ये नाम से केवल डर लगता है हमें तिलिस्मान, पर ये सिंबल्स होते हैं, इसको छोटी सी तावीज में पहन के पहनने से भी बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। आप उस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीकों से भी यूज कर सकते हैं। सारे के सारे चीजें आपको, पूरा कोर्स कंटेंट जो है वो लगभग 20-22 पॉइंट जो है वो सिर्फ एक एक लाइन में डिस्क्राइब किए गए, उसकी जब डिटेलिंग में आप जाएंगे तो आपको सारा नॉलेज हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कोर्स के अंदर, ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच सर। जयश्री मैम, अनम्यूट कर लें। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार मैडम, तबीयत ठीक है ना आपकी? एकदम फाइन। नहीं, एक्चुअली क्या, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, जयश्री जी के माध्यम से। देखिए, जो शिक्षा होती है ना, वो आपको, देखो, थोड़ी थोड़ी अगर आप दिन भर प्रोग्रेस करते हैं ना, तो एक दिन उसका रिजल्ट आपको बहुत बड़ा मिलेगा। तो जब भी शिक्षा मिलती है, चाहे वो फ्री का हो, चाहे वो आप पैसे दे के कर रहे हो, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए, कमर सीधी रखकर सीखेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपको कोई तबीयत ठीक नहीं है, आप सो रहे हैं, कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। नहीं सर, मैंने पढ़ा ही नहीं है। प्लीज गुरुओं का थोड़ा सम्मान रखें। मैडम देखो, अपना कीमती समय निकाल के आपको पढ़ा रही है। सर, मैं अभी आई, जस्ट अभी, और मैंने आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए बाहर से आई और अभी मैंने सुना, तो मैंने लास्ट ही कुछ अभी जो है, तो क्या रूल्स, मतलब मैं सिंबल भी नहीं देख पाई, नहीं कुछ नहीं। तो जयश्री मैडम, आपके लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो वेबिनार आज का आपने, जो भी 1.5 घंटे का वेबिनार है, ये आपको मनीष के मौर्य नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आधे से पौन घंटे, 1 घंटे में आपको ये वेबिनार पूरा का पूरा एज इट इज वहां मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका रहती है तो कल 12-1 बजे मेरे को आप कॉल कर ले, मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। और अगर आप क्लास में आना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। और ये हिंदी में होगा?
हाँ जैसे मैडम ने अभी पढ़ाया बिल्कुल हिंदी मैडम, और पीडीएफ ये सब भी, सब पीडीएफ मैडम देखिए हिंदी में नहीं होता है, पीडीएफ मिक्स होता है हिंदी इंग्लिश, लेकिन मैं आपको इतना अच्छे से डिटेल में आपको क्लास नहीं हो जाएगा तो पीडीएफ देख के आपको दिखने की काम भी नहीं पड़ेगा, पीडीएफ का कोई काम नहीं रहता, लेकिन लोग कहते नहीं हमें चाहिए पीडीएफ। मैडम इतना बढ़िया पढ़ाती है, जैसे आपको पढ़ा रही है धीरे धीरे, आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हो, फिर आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, अभी तो वेबिनार में जैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाते, लेकिन पेड क्लास में तो सबके क्वेश्चन लेते हैं ना, जब तक आपका एंड्रेस रहता है तब तक क्लास एंड नहीं होती है, पूरा आप पढ़ के सेटिस्फाइड होके फ्री क्लास लीव करते हैं, उसके बाद भी 1.5 महीने तक ग्रुप एक्टिव है, किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आएगी क्लास के अंदर। हमें आपको जोड़ना है, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती हूँ इसलिए मैंने, इसीलिए तो मतलब आपका तो मैडम बहुत ज्यादा, आपका तो बहुत ज्यादा ज्यादा स्वागत है, क्योंकि देखिए जब एक भरा हुआ ग्लास होता है ना, या आधा भरा हुआ ग्लास होता है, तो उसको अगर आप भरने की कोशिश करेंगे तो उसमें आधा ही भर पाएंगे, क्योंकि आधा तो पहले ही भरा हुआ है, और जब आप जैसा कोई एम्प्टी व्यक्ति आता है जिसकी ग्लास पूरा खाली है, तो वो पूरा भर के जाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ अपना पात्र इतना बड़ा रखिए, आप ग्लास लेके कभी भी क्लास में ना आए, एक बाल्टी लेके आए, एक स्विमिंग पूल लेके आए, एक तालाब लेके आए, तो आप पूरा तालाब भर जाएगा, बारिश जमाजम हो रही है बिल्कुल टेंशन मत लो मैडम, बहुत अच्छा आनंद आने वाला है क्लास के अंदर, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज वेबिनार देखिए और प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है जी, जी थैंक यू मैडम। लेते हैं रेखा जी का, बहुत कम शॉर्ट टाइम है हमारा, हमारे को दूसरी क्लास भी है, प्लीज रेखा मैम। हेलो मैम, आप दिख नहीं रही हो मैम मुझे, अभी दिख रही हूँ। हाँ हाँ मैम, मैम मुझे पूछना था कि जैसे ये सपत पीडीएफ मिल जाएगा, हम समझ लेंगे पीडीएफ से, जैसे रीडिंग करने के लिए आप क्लास में हमको एक दो प्रैक्टिस करवाओगे, जिनके पास जैसे ये रहता है सिंबल्स, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो हमको समझ में नहीं आएगा कॉम्बिनेशन कैसा क्या होता है क्या। क्लास में तो हम लोग सीखेंगे, उसके बाद में अगर फिर भी हम प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप में, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं, आपको जहाँ पे भी आप अटक जाओ, आपको समझ में नहीं आएगी अभी यहाँ पे क्या बोलना है ना, कैसे रीडिंग करना है, तो मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। और एक सेकेंड क्वेश्चन मैम, जैसे ये नाम है ना थोड़े बहुत मतलब इसको थोड़ा प्रोनाउंस करने के लिए, देखिए पहली क्लास तो यही होगी कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इसको याद कैसे करना है। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ एक बता दूंगी, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है थुरी साज, ठीक है, थुरी साज मतलब क्या है, बहुत कॉमेडी वाला होगा हमारा क्लास, थुरी साज मीन्स आपकी सास जो ऐसे खड़ी है, ठीक है, आप समझ जाओगे कि वो सिंबल कौन सा है, जो थुरी सास है वो सिंबल कैसा है, पी जैसे है, जैसे हाथ ऐसी लेके खड़ी है आपकी सास, आप बहुत मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, क्लास बहुत अमेजिंग होने वाली है, बहुत जल्दी सीखेंगे आप। ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना, अगर आप थोड़ा सा अगर जिनसे जिनको इंग्लिश का नहीं आता है, आप अगर हिंदी में भी लिख के रख दोगे ना, तो क्या के तो इजी रहेगा सबके लिए। यस बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम, हमारे को और इंग्लिश नहीं आती, आप टेंशन मत लो, आपको पूरा बता देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देंगे। एक साजी जी का और ले लेते हैं, अंजू मैडम तो घर की है, मुझे फोन करके पूछ लेंगे। साजी साजी मैडम, साजी सर प्लीज आप पूछ लीजिए, बोलिए सर, बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी सर, आज आपकी लगता है किस्मत नहीं है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? 100% मिलेगा रिकॉर्डिंग सर, पूरा रिकॉर्डिंग हर क्लास का मिलता है, इसके अलावा आपको मिलेगा सर्टिफिकेशन, इसके अलावा आपको मिलेगी पीडीएफ, आज का बिल्कुल मनीष, हाँ बिल्कुल मिलेगा, मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। ओके ओके ओके, क्योंकि दो सिंबल मिस हो गए, एक वेंजो और, अरे सर आइए क्लास में, सारे के सारे क्लास में आइए, अभी आपको क्या पता कि इससे क्या करना है, बस आपने सिंबल सीख लिया तो अभी पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं है सर, ये इसको इम्प्लीमेंट चार्जिंग वार्जिंग सब सीखना पड़ेगा ना, ये तो आपको सिर्फ बताया गया है, ओके ओके, इसको यूज नहीं कर सकते अभी आप। ओके ठीक है सर, अंजू मैडम बताई दो, नहीं तो मैडम अगली क्लास में मेरे को डांटेंगे। सर मैं इतनी देर से इसीलिए हाथ खड़ा किया हुआ था, दूसरी क्लास शुरू हो गई होगी मैम की। नहीं नहीं 9:15 पे होगी मैडम। 9:15 पे होगी आज? अच्छा अच्छा, मैं इसीलिए बेचैन हो रही थी, मैंने कहा मैम उधर क्लास शुरू कर देंगे। अरे हम नहीं जाएंगे तो क्लास कैसे स्टार्ट होगी, जल्दी बता दीजिए आप। हाँ मैम, एक तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप बाकी सबको तो ये मोर पंख वाला आप देने वाले हैं, बट हम तो ऑलरेडी किया हुआ है मोर पंख आपको, मैं आप मेरे से बात करना मैडम, ठीक है,
अच्छा, दे देंगे आपको भी कुछ देंगे, ठीक है आपको मोजो बैग की देंगे, बस आप टेंशन मत लो। कैंडल मैजिक नहीं मिलेगी मैडम, कैंडल मैजिक बात करते हैं मैडम, अपन बात करते हैं ना, अभी अपनी क्लास भी है ना। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज का इस कीमती समय देने के लिए। आप जिस ग्रुप में है बने रहिए, देखिए आपकी अगर फ्रिक्वेंसी मैच होती है, आपको लगता है कि इससे मेरी लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट होगा, तो आप बहुत बहुत आप सब लोगों का स्वागत है। लेकिन मैं जैसा कि कहता हूँ कि आप ग्रुप मत छोड़िए, क्योंकि ग्रुप में और भी अच्छी अच्छी चीजें ऑकल्ट साइंस की जितनी भी स्ट्रीम्स है, चाहे वो कैंडल मैजिक हो, चाहे वो बैक फ्लावर हो, चाहे वो लॉस्ट एंड फाउंड का केस हो, चाहे आपका तिब्बतन रिचुअल हो, अरोमा ऑयल्स की हो, आपकी बहुत सारी न्यूमरोलॉजी हो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो, जो भी आप जानते हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपके साथ डिलीवर करने की। तो आप बने रहिए जिस ग्रुप में भी है, थोड़ा आपको इरिटेटिंग लगेगा, कभी दिन में 2 मैसेज आते हैं, कभी दिन में 4 मैसेज आते हैं, लेकिन उस 2-4 मैसेज को आप अनदेखा करेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज वहां पर मिलने वाला है। तो प्लीज आप सब लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, ग्रुप में बने रहें। अगर आपको लगता है कि इससे मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सीट को रिजर्व कर लें और नेक्स्ट क्लासेस का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच पल्लवी मैडम, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, एंड ऑल ऑफ यू, यू ऑल आर अमेजिंग पर्सन, जिनको आज भी सीखने की चाहत है। आप सब लोग अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, कहीं से भी सीखिए, सीखना मत छोड़िए। थैंक यू वेरी मच स्टार साइन एंड टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे टू ऑल, हर हर महादेव, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उस ईश्वर के जयकारे के साथ समाप्त करेंगे। राधे राधे टू ऑल, अपने माता पिता की जय करेंगे। थैंक यू पल्लवी मैडम, थैंक यू मनीष सर, एंड थैंक यू एवरीवन। राधे राधे, 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 राधे राधे